नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त सियासत की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू ऑफिस में बैठक चल रही है, नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार ने आनन फानन में बुलाया है पार्टी ऑफिस में। उमेश कुशवाहा पहुंच गए हैं पार्टी ऑफिस में और बड़ी खबर यह है कि इन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, यानी प्रदेश अध्यक्ष की जो खोज हो रही है, नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज, उस मतलब उमेश कुशवाहा को वो जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल तक जो है राम सेवक सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा था। हालांकि अभी उमेश कुशवाहा को आनन फानन में नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय में बुलाया है। ये महनार के विधायक हैं, रह चुके हैं और जो है अब उन्हें पार्टी कार्यालय बुलाया गया है, बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, ये खबर आ रही है। और इस वक्त आपको हम बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को सामने में लगे हुए हैं, दरअसल चुनाव में हार के मंथन के दौरान ये बात भी सामने आई कि नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण यानी कुर्मी कोरी समीकरण जो है कहीं ना कहीं दरक गया था। उसके बाद लगातार चुनाव के बाद नीतीश कुमार इस समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई थी, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी कुशवाहा नेता की ताजपोशी होगी। ये बात लगभग तय मानी जा रही है और राम सेवक सिंह कुशवाहा सबसे रेस में आगे चल रहे थे। हालांकि इस बीच उमेश कुशवाहा को बुला लिया गया है पार्टी कार्यालय और कयास अब ये लगने लगे हैं कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश की जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि कल तक जो खबरें आ रही थी उसमें राम सेवक सिंह कुशवाहा का नाम लगभग तय माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि राम सेवक सिंह कुशवाहा ही अध्यक्ष बनेंगे, अगले प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि इन तमाम बातों पर विराम लग गया जब आज जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं अभी ठीक ठाक हूं और उन्होंने संकेत दिए, हालांकि कुछ सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वो अध्यक्ष पद छोड़ने जा रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं, पर यह बात तय मानी जा रही है कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद छोड़ने की बात नीतीश कुमार से कह दी है। नीतीश कुमार से उन्होंने पहले भी यह कहा था, हालांकि अब जो बैठक चल रही है और बैठक में यह माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उमेश कुशवाहा बुलाए गए हैं तो कुछ बड़ी बात निकल कर सामने आएगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।